हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और खुदावंत के फजल से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन आज मैं ना बहुत परेशान हूँ। आज हमारी हो गई है रात से फ्रिज खराब और उसमें हुआ है मेजर फॉल्ट। तो इलेक्ट्रिक चीज़ों का कोई एतबार नहीं होता, तो आजकल इंसानों का भी कोई एतबार नहीं है। कभी भी कुछ भी हो जाता है, अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है या कुछ भी बीमारी आ जाती है, तो इसी तरह चीज़ों का भी कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी ख़राब हो सकती हैं। तो हमारी फ्रिज भी कल अचानक ख़राब हो गई है और मैकेनिक ने रात को बताया कि ये बहुत मेजर फॉल्ट है, जाएगा नहीं। अगर ये सही करवाएंगे भी तो ये कुछ टाइम चलेगा, फिर दोबारा ख़राब होगा, आपको बार बार प्रॉब्लम होगी। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि फ्रिज के बगैर तो गुजारा नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और गर्मी में मुझे तो बिल्कुल बाहर के बर्फ़ की आदत नहीं है, मैं गर्म पानी तो पी नहीं सकती, तो गर्मी में पिया भी नहीं जाता, सभी नहीं पी सकते। तो आज कुछ करते हैं फ्रिज के लिए, चलते हैं कोई नई फ्रिज देख के आते हैं, तो अपनी रेंज के हिसाब से फ्रिज ले लेंगे। तो आज फ्रिज देखने चलते हैं। तो इधर सोनी से भी मिले और बच्चे भी सारे अभी चर्च से आए हैं। इधर अब्दियल, अभिमाइल, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी। दूध वगैरह तो मैंने रात को फिर गर्म करके रख लिया था क्योंकि रात को तो आस पड़ोस में भी नहीं भिजवा सकते थे कि हमारी चीज़ें रख लें। तो ये मैंने चिकन था और चिकन को मैंने बर्फ़ मंगवा के और ये इसके ऊपर रख दी ताकि ये ख़राब नहीं हो। तो इसी तरह चीज़ें तो बचा ली हैं, अब देखते हैं कितनी देर ये सही रहती हैं चीज़ें, तो कुछ नए का इंतज़ाम करते हैं। तो व्यूअर्स, हम गए थे जोहर मोड़, वहाँ पे है डॉलर्स के एक फ्रिज वगैरह की शॉप, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें डॉलर्स की मिलती है वहाँ पे शॉप है, लेकिन वो आज संडे की वजह से बंद थे। और अभी हम आ गए हैं मेट्रो, तो मेट्रो से देखते हैं कि क्या हमें कोई फ्रिज समझ आती है या नहीं, तो चलो चलते हैं ऊपर। कार्टून भी आया हमारे साथ। सही से बता, क्या लेने आया? पसंद है डॉलर्स का, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा साइज में बड़ा है, ये 16 का क्यूबिस का है, तो मेरे ख्याल में 14 क्यूबिस होना चाहिए, तो 14 में फिर ये हायर है, तो हायर के मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन। और ये है भी इन्वर्टर, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमें ये वाली पसंद आई है क्योंकि ये इन्वर्टर है, बिजली की थोड़ी बचत हो जाएगी। और ये अगर लाइट नहीं है तो दो तीन घंटे ये अपने तो बिजली को सेव करके रखती है और उससे ये फ्रिज ठंडी रहती है, तो हमें ये समझ आता है। तो फ्रिज को अभी वो कह रहे थे थोड़ा टाइम लगेगा, 20 से 25 मिनट लगेंगे, और स्लोनेस को आ गई है 40 और ये बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहा। तो अभी हम इसको लेके जा रहे हैं वॉशरूम। और खाने में संडे को तो हम बिरयानी ही बनाते हैं, तो अभी मैं बिरयानी बना रही हूँ। मैं आज फ्रिज लेने चली गई थी तो बच्चे बेचारे इतने परेशान हुए, उन्होंने होटल से ला कर रोटी खा ली थी, सालन पड़ा हुआ था, तो ये मैंने प्याज रख दी है, चावल भी धो के रखे हुए हैं, तो चिकन वगैरह सारा मसाला मैंने रेडी कर लिया है और अभी बना रही हूँ बिरयानी, फिर साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे वीडियो। तो बिरयानी हो गई है हमारी बिल्कुल रेडी,
और इधर मैंने रायता भी बनाया हुआ है एकदम से ले आती है। तो आज के वीडियो को करते हैं हम यही पे एंड। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।